हेलो फ्रेंड्स, आई एम सरिता। वेलकम टू माय चैनल ग्लोइंग इंडिया। फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने हाथों को सुंदर सॉफ्ट बनाना चाहते हो? तो आज मैं एक ऐसी रेमेडी आपको बताऊंगी जिससे आप अपने हाथों को सुंदर सॉफ्ट बना सकते हो। अगर वो थोड़े से काले हैं तो वो भी प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, जब बात सुंदरता की आती है तो हम सबसे ज़्यादा ध्यान अपने फेस पे लगाते हैं, उसके बाद अपने बालों पे लगाते हैं, पर हम हाथ और पैरों को बिल्कुल भूल जाते हैं। और हाथ ऐसे हैं जिससे हम बहुत सारा काम करते हैं और ये रूखे और बेजान हो जाते हैं, और हमें ये फिर बाद में बड़े गंदे लगते हैं। और फिर जब हमें अपने पसंद के कपड़े पहनने हो, मान लो हमें स्लीवलेस कपड़े पहनने हो, तो फिर हमें हिचकिचाहट होती है और हम पहन ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर पहन भी लेंगे तो हमें फिर हिचकिचाहट होती है कि हाथ दिखेंगे, ये ऐसा दिखेगा, वहाँ से दिखेगा। पर आप बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊँगी जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे हो नए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 4 चम्मच बेसन, और ये है स्कर्ब जो मैंने एवरयूथ का लिया है। आप कोई भी अपने हिसाब से ले सकते हो, आपके पास जो है आप वो ले सकते हो, या घर का बना हुआ स्कर्ब भी आप यूज कर सकते हो। और ये है 1 पूरा लेमन। अब हमें करना क्या है, अब इस लेमन को हमें इसमें निचोड़ लेना है। इस लेमन के रस को हम इसमें ऐड करेंगे अच्छे से। अब एक स्पून की हेल्प से हम इस लेमन जूस को बेसन में अच्छे से ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो हम थोड़ा पानी भी इसमें ऐड कर लेंगे। और इस पेस्ट को हमें एक मॉडरेट पेस्ट बनाना है। ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा पानी और भी मिक्स कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से हम इसका एक मॉडरेट पेस्ट बना लेंगे, और ये मॉडरेट पेस्ट बन गया है। लेमन और नींबू क्या है कि स्किन की गंदगी को हटाने का काम करते हैं, और डेड सेल्स को भी हटाते हैं, और ये स्किन को एक्सफोलिएट करके स्किन की रंगत को निखारने का काम करते हैं। तो अब हमें इसको करना है अप्लाई। अब इस पेस्ट से हम अपने हाथों को सुंदर और सॉफ्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम ये स्कर्ब यूज़ करेंगे। उससे पहले अपने हाथों को गीला कर लें। जब हाथ गीले हो जाते हैं तो स्कर्ब अच्छे से लग जाता है, और हम 10 मिनट के लिए स्कर्ब करेंगे इस तरह से। अगर हाथ आपके थोड़े ड्राई हो रहे हैं तो आप थोड़ा पानी की हेल्प से, या रोज़ वाटर भी ले सकते हो, उसकी हेल्प से आप अपने हाथों को थोड़ा वेट कर ले। वेट करने से स्कर्बिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। स्कर्ब करने से हमारी जो डेड स्किन है वो निकल जाएगी और हाथ हमारे क्लीन हो जाएंगे। ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे हाथ हमारे ज़्यादा काले हो जाते हैं, आर्म्स इधर से ज़्यादा काली हो जाती है, तो इसको थोड़ा हार्डली आप रगड़ें इस तरह से। हाथों को हम हार्डली रगड़ सकते हैं, फेस को नहीं रगड़ सकते, इसलिए आप हार्डली भी स्कर्ब कर सकते हैं। 10 मिनट होने के बाद हमें ये स्कर्ब हटाना नहीं है। हमने जो लेमन और बेसन का जो पेस्ट है इसको लेना है ऐसे। ये लेमन का छिलका है, इसको इसमें डिप करके हाथों पे इस तरह से पूरे हाथ पे इस लेमन के छिलके की हेल्प से
हम इस को अच्छे से लगा लेंगे हाथों के, ये वाला जो एरिया होता है ना, जो जॉइंट्स है, मैंने देखा है कई लोगों के ना बहुत ही काले लगते हैं, जो बहुत ही गंदे लगते हैं, तो इस पे आप ज़्यादा ध्यान दें। तो फ्रेंड्स, मैं अभी अपना एक हाथ ही आपको करके दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपको अपना दूसरा हाथ भी इसी तरह से अप्लाई करना है। आप 10 मिनट तक ऐसे ही अप्लाई करें। 10 मिनट होने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें और उसके बाद जाके आप अपने हैंड वॉश अच्छे से कर लें। आप देखोगे कि एक बार लगाने से ही आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा। तो और आप इसको वीक में 2 times ज़रूर करें। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप इसको अल्टरनेट डे पे भी 1 week तक कर सकती हो। अगर आप भी अपने हाथ सुंदर और अच्छे बनाना चाहते हैं तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। एक बार यूज करने से ही आपको इसका पता चल जाएगा। अगर आपको ये थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें ताकि इसका फ़ायदा दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपकी ब्यूटी से और स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।